नमस्कार दुपर शुरोनमें स्वागत स्टुडियोत न पापरी प्रथम खबर उपस्थित बीजेपी सभापति जे पी नड्डा ढकुआखनार जनसभा अंश जे पी नड्डार जामुगुरी हाट और बरसलत निर्वाचन प्रचार चलो जे पी नड्डा ढकुआखनार नव दले जामुगुरी हाट पद्म हजरीका और बरसलत गणेश लिम्बूर हो प्रचार चलो निर्वाचन प्रचार चल रिश्वी भिडिओ कन्फारेसिंग जरिए दलियों कर्मी बैठक मिलित हम जे पी नड्डा आनहते निर्वाचन प्रचार आज मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाहरकटिया और ढकुआखना जनसभा अंशग्रहण कर चौहान और इतिम्य आम देखा गई कै गई स्टार केम्पेनार सक इतिम्य राज्य उपस्थित विभिन्न प्रानी पुनपटिया सम्प्रचार आम देखा गई किसु समय पूर्वे आम बिहार नाचबरत एक समदल पुनपटिया दृश्य आम देखाई इफाले जीतु आम कै गई जे पी नड्डा उपस्थित ढकुआखनार जनसभा अंशग्रहण कर गति के पुनपटिया आम देखुम इफाले जामुगुरी हाट और बरसलत निर्वाचन प्रचार चलो जे पी नड्डा ढकुआखनार नव दले जामुगुरी हाट पद्म हजरीका और बरसलत गणेश लिम्बूर हो प्रचार चलो निर्वाचन प्रचार चल रिश्त भिडिओ कन्फारेसिंग जरिए दलियों कर्मी बैठक मिलित हम जे पी नड्डा आनहते निर्वाचन प्रचार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सभापति श्रद्धार जे पी नड्डा डांगरिया आगे गति के मैं जे पी नड्डा डांगरिया भारत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय साधारण सम्पादक तथा महालय सांसद जनप्रिय जुव नेता सरदार दिलीप शैकिया डांगरिया सम्बर्धना अनुरोध जानसो सकले जोरे हाँ पड़ जा दिलीप शैकिया जिंदाबाद दिलीप शैकिया डांगरिया जिंदाबाद दिलीप शैकिया डांगरिया जिंदाबाद विनम्र आग्रह प्रकाश कर बीजेपी दल राष्ट्रीय सभापति जे पी नड्डाजी आमार प्रभारी पांडा डांगरिया आमार अखम सरकारर माननीय मंत्री तथा এই সমষ্টিৰ বিধায়ক আমাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী নবকুমাৰ দলে ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতিৰ প্ৰমুখে বিষয়ববীয়াসকল বিজেপি দলৰ সভাপতিৰ প্ৰমুখে বিষয়ববীয়াসকল আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ হৈকিয়া ডাঙৰীয়া মঞ্চৰ উপবিষ্ট মিত্ৰজোঁট
जेपी नड्डा उपस्थित से ही ढकुआखाना पर पुनपटिया सम्प्रचार आम देखाई गई और जीत उपस्थित से ही गति के नवदल निर्वाचन प्रचार चल और यह मुहूर्त मंच देखने पा गई है जामुगुरी हाट बरसला तो जी प्रचार चल गए आम जम और इतना एनेरणे देखने पा गई है केन्द्र मंत्री स्टार केम्पेनर हिसाब प्रचार चलवा गति के एनेरणे इतना पुनपटको आम देखाई मुख्यमंत्री सरबानंद सोनवाल तक उपस्थित आए और लक्ष लक्ष जनता प्रचार चलवार क्षेत्र लक्ष लक्ष जनता उपस्थित ही दलियों कर्मी आए तक गति के व्यापक प्रचार इतना बीजेपी चलाई से समानल अन्य दल समूह चलाई से आम पुनपटको सकोबूर देखाई जा गाँव दुखिया मानुर काम कर सरकार आगंतुक दिन আপোনালোকৰ হুবনচিৰি গড়া খহনিয়াৰ কাৰণেও এই বছৰ 509 কোটি টকা আপোনালোকক অনুমোদন দিয়া হৈছে যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ হুবনচিৰিৰ গড়া খহনিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ প্ৰায়খিনি গড়া খহনিয়া অঞ্চলকে সামৰি লোৱা হৈছে ইয়াৰ ওপৰিও মাত মৰাক লৈ আকৌ আমাৰ ঢকুৱাখানা বাকী ৰাইজে অলপ অলপ চিন্তিত হয় আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ দ্বাৰাও আগন্তুক বছৰত বিজেপি দলে আমাৰ কেন্দ্ৰত মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে অসমত সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ার মিত্রজোট সরকারে এটা এটাকে বিজেপি দলের মূল বিষয়বর লই ঢকুয়াখানার চুকে কোণে সকল দিকতে আগুয়াই লই যাবর কারণে নির্বাচনী প্রচারৰ বাবে অসমত জেপি নাড্ডা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ঢকুৱাখানাৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ নবদলৰ হৈ নির্বাচনী প্রচার চলাব আৰু বৰ্তমান তাত ভাষণ দি থকা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু সময়ৰ পাছত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাই যাম আৰু ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু প্ৰচাৰ যেতিয়া তুংগত উঠিছে বিজেপিৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খুব সুন্দৰভাৱে বিজেপিৰ প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সেয়াও দেখুৱাই গৈছোঁ আমি কিছু সময় পূৰ্বে বিহালীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ বিহালীত বাইক ৰেলী চলিছিল কেইবা হাজাৰ বাইকেৰে বিশাল বাইক ৰেলী চলোৱা হৈছিলে আৰু মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ প্ৰচাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা ঠায়ে ঠায়ে সকলো প্ৰাৰ্থীৰ হৈ এনেধৰণে এক ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে বিশাল সমাৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঢকুৱাখানাও ব্যতিক্ৰম নহয় ঢকুৱাখানাটো ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশাল এক জনসভা আৰু এয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তাত উপস্থিত আছে জেপি নাড্ডা উপস্থিত আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখুৱাই যাম साठ साल का पलड़ा हल्का होता है और साठ महीने का पलड़ा भारी हो जाता है इसको हमको समझना चाहिए कितने काम साठ महीने में हुए हैं असम बदल गया वो असम नहीं रहा जो साठ महीने पहले था अगर मैं बात करूं लंबे समय से लटका हुआ विषय और कांग्रेस पार्टी की आदत है लटकाना भटकाना अटकाना इसको रास्ता दिखाना यह हमारा काम है और रास्ता दिखाते दिखाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंबे समय से जो बोगीबिल ब्रिज था 60,000 करोड़ का 6,000 करोड़ का उसको पूरा करने का काम मोदी जी की सरकार ने और सर्वानंद जी ने किया है ये हमको ध्यान में रखना चाहिए आपको याद दिलाना चाहता हूं डूबरी फुलवरी ब्रिज का लंबा समय से यह काम रुका हुआ था इसको भी सिरे चढ़ाने का काम बीजेपी असम गण परिषद की एनडीए की सरकार सर्बानंद सोनोवाल जी ने पूरा किया है 15 नेशनल हाईवे मिले हैं आपको 15 नेशनल हाईवे 60 महीने में 7 साल में 5 नेशनल हाईवे
और 60 महीने में 15 नेशनल हाईवे। ये दौड़ती हुई सरकार तेजी से विकास करने वाली सरकार है, ये हमको समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गुवाहाटी का एयरपोर्ट 1232 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, बिल्कुल नया एयरपोर्ट बन जाएगा, दुनिया के हर तरफ से लोगों का आने का रास्ता बनेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम और नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, मुझे खुशी है, इससे पहले मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी का आशीर्वाद मिला और मोदी जी के आशीर्वाद से गुवाहाटी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हमने सैंक्शन किया और वहां खुल रहा है। 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और मित्रों, आप लोग दिल्ली जाते थे इलाज कराने के लिए, अब अगले 2 साल बाद आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आपका इलाज, भगवान न करे कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर इलाज होना होगा तो गुवाहाटी में वो इलाज होगा जो दिल्ली में हुआ करता था, उस तरीके का इलाज होगा। आपके लिए 6 मेडिकल कॉलेज खोले हैं मोदी जी ने, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, 6 मेडिकल कॉलेज। आप समझिए कि विकास की नई बहार है। और उसी तरीके से रेल के कनेक्शन के लिए 8000 करोड़ रुपए दिए हैं और आपका भी रेल लाइन को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों को बाढ़ से बचाने की आवश्यकता है। बोलो, बचाने की आवश्यकता है कि नहीं है? मोदी जी ने सर्वानंद सोनोवाल जी को 4 गुना बजट दिया कि नहीं, बाढ़ बचाने के लिए दिया कि नहीं दिया? अब सैटेलाइट से सर्वे होगा और जितने भी बाढ़ के आने वाली जगहें हैं और बाढ़ वाली जगह है वहां बहुत बड़ा पोखर बनेगा, बहुत बड़ा पोखर बनेगा और पानी को रोका भी जाएगा, आपके विकास के लिए रोका जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। आप देखिए, इस बार का जो बजट है उसमें असम को अलग से 53,000 करोड़ रुपए दिए गए, 35,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए दिए गए, 1500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनेगा और उसके लिए 34,000 से 35,000 करोड़ रुपए आपको दिए गए हैं, ये मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। हमारी सर्वानंद जी की, सोनोवाल जी की सरकार पुराने मुद्दों को सुलझाने के लिए तत्पर है, कटिबद्ध है और उसने पूरा किया है। बताओ, पिछले 40 साल 50 साल से बोडोलैंड का विषय था कि नहीं था? था कि नहीं था? लगभग 4,000 लोग मारे गए थे और इन सारी चीजों में कुल मिलाकर के यह मामला सुलझ नहीं रहा था, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने सर्वानंद सोनोवाल जी के साथ बैठकर मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे ये जो 50 साल पुराना मामला था बोडोलैंड का, उसको सुलझा दिया और जमीन के बारे में भी सुलझा दिया और 1500 करोड़ रुपए देकर के बोडोलैंड के लोगों को फिर से स्थापित करने का इंतजाम उठाया है। उसी तरीके से ब्रू रियांग का विषय था, यह भी पिछले 25 साल से चल रहा था, 34,000 लोगों को बसने का रास्ता नहीं था, भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए देकर के इनको भी बसाने का काम किया है। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने, जहां तक जब हम सेफ आसाम की बात करते हैं, तो यही 5 साल के अंदर 3,000 लोग जिन्होंने बंदूक उठाई थी उन्होंने यहां सरेंडर किया, 3,000 लोग। और इसके साथ साथ लगभग 2300 लोग अरेस्ट हुए और लगभग 5,000 ये जो असॉल्ट राइफल थी वो उन्होंने सरेंडर की। आसाम में शांति लाने का काम भारत के गृह मंत्री और मोदी जी के आशीर्वाद से और सर्वानंद सोनोवाल ने किया, बोडोलैंड के विषय को ये हमको समझना चाहिए। इसीलिए मित्रों, और इतना ही नहीं, बताइए गरीबों को पट्टे बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे?
3,33,000 लोगों को पट्टे बांटे गए और उनके लैंड का सेटलमेंट किया गया। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, एक ही बात बताने आया हूं कि गरीबों की सरकार, उनको मुख्य धारा में लाने का काम ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और इसको एक मौका आपने और देना है, ये आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। देश की बात करें तो ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई गई, 370 धारा समाप्त कर दी गई, राम जन्मभूमि का मसला लंबे समय से लटका हुआ था और कांग्रेस लटकाना अटकाना भटकाना जानती थी, लेकिन मोदी जी जब आए तो फैसला हुआ और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, यह भी मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। मित्रों, गांव की तस्वीर बदल गई, स्वच्छ भारत आ गया, इज्जत घर बनने लगे, टॉयलेट्स बनने लगे, उसी तरीके से उजाला आ गया, 8 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर मिला, 36 लाख लोगों को असम में मिला, उजाला आ गया, लगभग 67 लाख लोगों को एलईडी बल्ब्स मिले, आयुष्मान भारत में 1,06,00,000 लोगों को जहां लाभ मिला, वही 1,38,000 लोगों को लाभ यहां असम में मिला है आयुष्मान भारत का, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 11,70,00,000 किसानों को 6,000 रुपए साल का मिला है, 12,000 रुपए मिल गए, अब उसके बाद जो 14,000 की जो तीसरी किस्त है, वो पहली किस्त है, वो भी दी जा रही है, और यहां लगभग 16,00,000 किसानों को इसका लाभ मिला है, ये हमको समझना चाहिए। अगर हम कोरोना की बात करें तो दुनिया में कोरोना से लोग दुखी हो गए, दुनिया में लोग कोरोना को हरा नहीं पाए, लेकिन हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि 130 करोड़ का देश कोरोना से लड़ने में सक्षम हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये हमको समझना चाहिए। और इसलिए चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटी हो, चाहे वो वैक्सीन देने की बात हो, 72 देशों को मोदी जी ने वैक्सीन पहुंचाई है, एक समय भारत मानता था, आज भारत देने वाला बन गया, ये हमको समझना चाहिए। पैरासीटामॉल और एचसीक्यू 150 देशों को दिया गया है, 12,00,000 पर डे टेस्टिंग हो रही है हमारे कोरोना की, और कोरोना से लड़ने की ताकत मोदी जी ने पैदा की, भारत के मूल बना हुआ वैक्सीन, एक नहीं दो दो वैक्सीन बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ है, इसलिए कोरोना से भी लड़ने का काम हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है, और इसीलिए हम सब लोग आज, कोरोना भी है और चुनाव भी है और लोग भी हैं और जनता भी है, ये हमको समझना चाहिए, ये हमको देखना चाहिए। हम पूरी एहतियात के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अभी मुझे बताया गया कि कुछ दिन पहले अभी जहां चुनाव हुए, सभी चुनाव आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव हुआ, एक तरफा आपने हमारे को जिता दिया, उसी तरीके से तीवा ऑटोनॉमस काउंसिल का चुनाव हुआ, एक तरफा आपने हमको जिता दिया, उसी तरीके से दीना हसब काउंसिल का चुनाव हुआ, आपने हमको जिता दिया, कार्बी एंगलोंग का चुनाव हुआ, आपने हमको जिता दिया, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, और आने वाले समय में असम में भी आप चुनाव जिताएंगे, ये विश्वास रखता हूं। मित्रों, आज से कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता नेत्री आए थे यहां, कुछ 5 गारंटियां दे गए, 5 गारंटियां। मित्रों, कांग्रेस के पास एक ही गारंटी है, एक ही गारंटी है, और क्या है वो गारंटी, कि जहां आएंगे वहां घोटाला करेंगे, एक ही गारंटी। मिशन है उनका, मिशन फॉर कमीशन, उनको कमीशन चाहिए, कमीशन, और हमको मिशन चाहिए। उन्होंने 7 साल लोगों को बरगलाया है, लोगों को दिक्कत में डाला है, लोगों की सेवा नहीं की है, और इसीलिए 7 साल बाद हमें गड्ढे भरने पड़ते हैं, सड़क बनानी पड़ती है,
चौड़ी सड़क बनानी पड़ती है, सिंगल लेन को फोर लेन बनाना पड़ता है और डबल लेन को सिक्स लेन बनाना पड़ता है, यह हम लोगों ने किया है। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हां, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। जहां तक नवकुमार डोले साहब का सवाल है, ये बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही संयमित, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, देखिए आपकी तालियां बता रही हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है, 100% सच है। सबको साथ लेकर के चलने की आदत, संगठन और जनता को साथ लेकर के चलने की ताकत, ऐसे लोगों को हमको चुनाव जिताना है, इनको आगे लाना है। ये दिन रात मेहनत करते हैं, दिल्ली नहीं आते, लेकिन इनकी चिट्ठियां हमको हमेशा आती रहती हैं। दादा ये रह गया, दादा ये रह गया, इसको पूरा करना है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आपने इनको चुनाव जिताना है और आगे इस इलाके का विकास हम सब लोगों ने मिलकर के करना है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे ध्यान में है कि यहां का पानी नीचे का, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। माताएं बहनों को बच्चों को पानी पिलाने में अशुद्ध पानी को शुद्ध करना पड़ता है। मैं आपको वायदा करता हूं कि हमारी अगली सरकार आपको शुद्ध पानी पिलाने में सक्षम तरीके से काम करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि एरियल सर्वे करके, सैटेलाइट सर्वे करके हम यहां पर पौंड बनाएंगे, यहां पर हम पोखर बनाएंगे, बड़े बड़े तालाब बनाएंगे और बाढ़ से बचाएंगे आपको, इस तरीके की भी व्यवस्था। ढोकाखना पर देखालो आमी बीजेपी सभापति जेपी नड्डा उपस्थित होल और बर्तमान तक जी नवदल प्रचार चलासे और भाषण प्रसंग बहुक कथा उल्लेख कर।